गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक पैसिव वॉइस। आप यहाँ पर इंग्लिश विद सब्जी सर, और हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक लेसन है, टॉपिक्स है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें पैसिव वॉइस से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ऐसा कोई आपको कॉम्पिटिटिव का बैच नहीं मिलेगा जिसमें पैसिव वॉइस से एक दो क्वेश्चन ना रहे। और ये आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो हम लोग स्पेशली पैसिव वॉइस पढ़ते हैं जब भी, तो आप देखते हैं कि सारे किताबों में टेंस के नियम से आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं कि ये टेंस रहता है तो पैसिव वॉइस का रूल ये होता है। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ एक बहुत आसान तरीके से पैसिव वॉइस बना लेंगे। कोई भी पैसिव वॉइस आपको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हो सकता है 2 से 3 सेकंड आपको लगे इस थ्योरी के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो आज आप पढ़ेंगे पैसिव वॉइस विद सब्बीर सर। तो जैसा हमारे यहाँ पे डायग्राम बना है, हेल्पिंग वर्ब्स के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी का एक और नाम बी हैव डू। बी में आपके आते हैं इज, आर, एम, वाज, वर। हैव में आपके आते हैं हैज, हैव, और डू में आते हैं आपके डू, डज, डिड। यहाँ मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13 लिखा जाएगा और यहाँ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 11। मॉडल एक्सिलरी वर्ब एक्चुअली होते हैं सिर्फ 10। यहाँ नीड, डेयर और यूज टू ये होते हैं मार्जिनल वर्ब्स। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल वर्ब्स इसलिए नहीं बताया गया, हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे उसमें वर्ब सेक्शन आएगा तो हम बताएंगे वहां पे कि ये मार्जिनल वर्ब है। लेकिन ये पूरे 24 से हम पैसिव वॉइस आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए इन तीनों को भी इंक्लूड इसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में किया गया है। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर जगह आप बुक्स में देखेंगे कि टेंस के पैटर्न पे ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ऐसे किसी किताब में बिना टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। तो अब सबसे पहले जैसे हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस लगाने के लिए ऑब्जेक्ट। 2-3 हम लोगों को पॉइंट सिर्फ याद करना है। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट। और बहुत स्टूडेंट्स इस चीज में भी डाउट होते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा अंत में आता है, लेकिन ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका होता है कि जो भी आपका सेंटेंस हो उसमें आप व्हाट प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, और कुछ भी अगर रिप्लाई मिलता है तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में आप यहां देखिए, ही हैज ईटन फूड इन द रूम। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस हो गया। रूम भी कहीं कहीं ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन सबसे आसान तरीका ऑब्जेक्ट पहचानने का, क्या प्लस आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब आपका है इट इज, और आप इसी से क्या लगा के क्वेश्चन कर दीजिए, व्हाट इट इज, क्या खाए। तो हमारे पास ऑप्शन मिल गया, आपका रिप्लाई मिल गया कहीं ना कहीं फूड, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। यहीं पे अगर हम ये लिख दें कि ही हैज सीन द रूम, यहां पे ये ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस में रूम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा क्या से क्वेश्चन करने में फूड मिल गया। यहां पे देखें ही हैज सीन द रूम, व्हाट सीन, क्या देखा, रूम। तो यहां रूम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये नहीं कि कहीं पे आपका कोई सेंटेंस अगर रहे सेंटेंस में कोई वर्ड तो ऑब्जेक्ट होगा ही, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा व्हाट प्लस मेन वर्ब से, और जो भी मिलता है तो ही वो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। और ऑब्जेक्ट पहचानने के तरीके हैं, तब यहाँ पे देखेंगे ही हैज ईटन फूड, पे यहाँ फूड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जैसे और कुछ एग्जाम्पल, ओरली मैंने फिल्म देखा, क्या देखा, फिल्म, ऑब्जेक्ट हो। मैंने थिएटर में देखा, क्या देखा, कुछ नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ थिएटर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन यही कहा जाए मैंने थिएटर को देखा तो क्या देखा,
थिएटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका थिएटर होगा, तो कहीं कहीं कोई वर्ड ऑब्जेक्ट हो रहा कहीं नहीं हो रहा। तो सबसे पहला आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के समय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा पहचानने के लिए आप क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया। अब अगला चीज हम चलते हैं पैसिव वॉइस के लिए कि ऑब्जेक्ट के पहले आप ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। दूसरी चीज है पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग याद रखेंगे आप, कि हमेशा आप मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। अब पैसिव वॉइस बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, हम जो पहले टेंस पहचानते थे अब सिंपल सा हम चलते हैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के लिए कैसे बनता है। अगर आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज दिया हो, आर दिया हो, एम दिया हो, वाज दिया हो, वर दिया हो, तो आप कोई टेंस नहीं पहचानेंगे। फिर आप ध्यान दीजिए, आप कोई टेंस नहीं पहचानेंगे, इन पांचों के साथ आप सिंपल सा पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग का प्रयोग कर दें। कोई आप टेंस नहीं पहचानेंगे, जब भी आपका इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, तो पहले जो टेंस हम पहचानते थे अब आप टेंस नहीं पहचानेंगे, इन सबके साथ आप बिंग का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जांपल में आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे लिख के एक्टिव वॉइस ही इज रीडिंग इंग्लिश, यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस मिल गया, तब आपका वो झंझट नहीं रहेगा, वो डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा के लिए टेंस है। आप सिंपल सा सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जैसा यहाँ बताया गया है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए, तो क्या पढ़ा, तो हमारे पास मिल गया ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो सबसे पहले पैसिव के लिए आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दें, और जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब दिया, जो भी आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, आप उसको उतार दीजिए यहाँ पे। और जब भी अगर बी हो, बी मीन्स एच आर एम वाज वर, तो आप यहाँ देख रहे हैं बिंग का प्रयोग करेंगे, आप यहाँ बिंग का प्रयोग कर दीजिए। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म आप कहते हैं रीड, और आप बाई का प्रयोग कर भी सकते हैं, और सब्जेक्ट ही का यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, जो भी आपके एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब दिया उसको उतार दीजिए, और अगर वो बी का होता है, बी मींस ईच आर एम वाज वर, तो आप सिंपल सा बिंग का प्रयोग कर देते हैं। और जैसा शुरू में बताया गया कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म और बाई प्लस इन। दूसरा एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ, वो तक आप उससे और अच्छे समझ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे She was cooking food, यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस हो गया She was cooking food, तो क्या cooking था, हमारा मिल गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो food, और सेम का सेम जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया आप उतार दीजिए, food was, और जब भी अगर be का हो, ही जा रहे was वर हो, तो आप being का प्रयोग करिए, food was being, थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग किया जाता है कुक्ड बाय शी का। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आसान तरीका है कि जब भी अगर इज आर एम हो, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी अगर इज आर एम हो, वाज वर हो, तो पैसिव में जरूर बिंग रहेगा और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म रहेगा, नहीं तो अगर नहीं रहे तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो आप सेकेंडों में पहचान जाएंगे कोई भी कंपटेटिव पेपर में इज आर एम वाज वर हमेशा कंटेन करता है बिंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस हमेशा कंटेन करता है। अगला हम देखेंगे, उसके पहले कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिया जा रहा है आपके लिए, अगर ही रहे तो हिम, शी रहे तो हर, आई रहे तो मी, वी रहे अस, यू रहे तो आपका यू का यू ही होता है, दे रहे आपका, या दे और यू यहाँ लिख दिया जा रहा, आपका यू रहे तो यू, दे रहे तो दे, इट का सब जानते ही होता है,
अगला देखेंगे कि जब भी अगर एक्टिव वॉइस के आपके वाक्य में हैज हो, हैव हो, हैड हो, तो भी हम कोई टेंस नहीं पहचानेंगे, सिंपल से यहाँ पे हम बिन का प्रयोग कर देंगे। जब भी आपके एक्टिव वॉइस में हैज हो, हैव हो, हैड हो, तो आप कोई टेंस नहीं पहचानिए, सिंपल सा इसके साथ आप बिन का प्रयोग कर देंगे तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए ही हैड बॉट अ रेडियो। अब आपके पास एक सेंटेंस है, ही हैड बॉट अ रेडियो, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा बता दिया जा चुका है कि सबसे पहले आप पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आप क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, तो क्या खरीदा, यहाँ पे मिल गया अ रेडियो। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का, हमारे पास मिल गया रेडियो, और जो भी हेल्पिंग वर्ब आप उसको उतार दीजिए हैड, और जब भी अगर हैज हैव हैड रहता है तो पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग करेंगे, और जब भी हैज हैव हैड हो एक्टिव वॉइस में तो उसमें जरूर MV3 ही दिया रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही दिया रहेगा, तो उसको हम उतार देंगे वैसे ही जो भी आपका दिया। और बाई ही का फिर से आप एक बार देखेंगे कि ही हैड बॉट अ रेडियो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो क्या बॉट, तो मिल गया हमारे पास अ रेडियो, सेम आप हेल्पियम उतार दीजिए, और जब भी अगर हैज हैव हैड तीनों दिया हो तो बीन लगाइए, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया ही रहता है हैज हैव हैड के साथ, बॉट और बाई प्लस ही का आप देख रहे हैं यहाँ पे हिम। अब चलेंगे हम लोग अगले एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल दिया जाएगा तो एग्जाम्पल का क्लास हमारा अगले बैच में होगा, अगले क्लास में होगा। अब यहाँ पहले इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, जब भी आपका डू डस दिया हो तो आप इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और जब भी आपका डिड दिया हो तो आप प्रयोग करेंगे वाज और वर का, कोई आप टेंस नहीं पहचानेंगे। जब भी आपका डू डस दिया हो तो इज आर एम, और जब भी डिड दिया हो तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई आपको टेंस पहचानने का झंझट नहीं, परेशानी नहीं। आप यहाँ इसका भी एग्जांपल आप देखेंगे, यहाँ पे एक्टिव वर्ब ही डज नॉट वॉच अ मूवी, यहाँ पे आप सबसे पहला तरीका आप क्वेश्चन करिए क्या से, तो क्या देखा, तो हमारे पास मिल गया अ मूवी। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं अ मूवी, और जब भी अगर डू डस दिया हो तो ईज आर एम का प्रयोग करते हैं, तो मूवी यहाँ सिंगुलर है, एक वचन है, तो ईज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे भी नॉट है वो हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, अ मूवी इज नॉट, और हमेशा पैसिव वॉइस में हेड फॉर्म का प्रयोग होता था। आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉच और बाई ही का, फिर आप एक बार देखेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं अ मूवी, क्या देखा, अ मूवी, सेम आप डू डज के साथ हमेशा इज आर एम का प्रयोग करेंगे, जहां नॉट हो वहां नॉट का प्रयोग कर देंगे, वॉच्ड बाय हिम। अगले आप सेंटेंस पे हम लोग चलेंगे, जब भी ये 13 के 13, जब भी ये 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब दिया हो, जब भी ये 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब, तो आप सिंपल सा कोई टेंस ना पहचान के सिंपल सा इन सबके साथ आप बी का प्रयोग करेंगे, तो पैसिव वॉइस आसानी से बन जाएगा, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, कोई इसमें 13 के 13 में दिया हो तो आप पैसिव वॉइस सिंपल सा बी का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल एक देखेंगे, ही कैन सिंग अ सॉन्ग, तो आप सबसे पहले क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो वाट सिंग, क्या गाया, हमारे पास है ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस आप देखेंगे अ सॉन्ग हो गया, और जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया हो, मॉडल एक्सिलरी हो या कोई हो, आप उसको एकदम ऐसे ही उतार देंगे। यहाँ पे कैन है तो कैन ना ही बी में आता, अगर बी में आता तो बीन लगता, हैव में आता तो बीन लगता, डू डज होता तो ईज आर एम लगता, डिड रहता तो वाज वर रहता, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के हैं तो इसमें लगता है बी, आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बी उतार देंगे, और जैसा आप पहले ही जानते हैं कि हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनता है तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ पे सिंग, सैंग, संग, बाई
ही का हिम, फिर एक बार देखेंगे ही कैन सिंग अ सॉन्ग, तो क्या गाया अ सॉन्ग, आप सेम उतार दिए बी, जब भी अगर 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में से कोई दिया होता बी लगाइए, और थर्ड फॉर्म संग बाय हिम। और एक एग्जांपल आप देखेंगे इस पे पहचानने के लिए, शी विल राइट अ लेटर, आप देखिए सेंटेंस कि व्हाट राइट क्या लिखा, आपके पास मिल गया ऑब्जेक्ट अ लेटर, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए, जैसे यहाँ बताया जा चुका है सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का, उसके बाद जो भी आपका मॉडल या हेल्पिंग अभी आप उतार दीजिए, तो यहाँ मॉडल एक्सिलरी है तो सेम उसको उतार देंगे, और जब भी अगर मॉडल एक्सिलरी का हो तो बी आप लगाएंगे, और पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय शी का हर। इस तरह हमारा आज का एक क्लास पैसिव वॉइस का रहा। दोस्तों आपको कितना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये बहुत आसान तरीका है पैसिव वॉइस बनाने का, आप सेकेंड में पहचान जाएंगे कोई भी पेपर में, टेट सी टेट सुपर टेट के बच्चों के लिए, कोई भी कम्पिटेटिव क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका हमेशा ऑप्शनल ही क्वेश्चन अधिकांश आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिया हो तो फिर देखेंगे ई जा रहे मुआज वर्ब के साथ बीन, सबसे पहले ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सारे में लगते हैं, हैव महमद मींस हैज हैव हैड के साथ बीन, डू डज के साथ की जा रहे, डिड के साथ वाज हुआ, और ये 13 के 13 मॉडल्स के साथ बी। तो आपको कैसा लगा ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगले क्लास के लिए हम लोग मिलेंगे कल अपने इसी टाइम पे पार्ट 2 लेके पैसिव वॉइस की, जब बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, कि जब हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, वो भी एक बहुत आसान तरीके से। तब तक के लिए गुड नाइट।